हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश बोलते वक्त हमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश बोलते वक्त सिर्फ हमें एक ही जगह पर प्रॉब्लम होता है, वो है वर्ड, यानी वर्ड मीनिंग पर। वर्ड मीनिंग और वर्ब, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग में। यानी अगर आपको जो बेसिक वर्ड्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बेसिक जो सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको वो सब चीज़ों का इंग्लिश नहीं पता होगा तब आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या कीजिए, आप डेली 5 नया वर्ड हो चाहे वर्ब हो याद करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आपको वर्ड नहीं पता होगा तब तक आप सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, और आप हर वक्त डिक्शनरी लेके तो घूमेंगे नहीं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। आप डिक्शनरी आपके पास तो हर वक्त होगा नहीं, तो आपको अगर वही चीज अगर बोलना होगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। आप बोलेंगे लेकिन आपको उस वर्ड का इंग्लिश नहीं पता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डेली 5 नया वर्ड हो चाहे वर्ब हो डेली याद करना होगा, और उन सब वर्ड को अपने डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग में आप जब बातें करें तब उन सब वर्ड को यूटिलाइज करना होगा, यानी यूज करना होगा। ये बहुत जरूरी, अक्सर यही पर प्रॉब्लम होता है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाकी सब कुछ पता है कि ये कैसे बनेगा, इसका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता होता है। इस वजह से आप हिचकिचाते और आपका जो इंग्लिश में जो फ्लुएंट होता है, जो फ्लुएंसी होता है, वो नहीं हो पाता, आप अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग नहीं। तो वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, डेली 5 नया वर्ड्स लीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और उन्हें अपने डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग में लाइए। और देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान है और हम लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे तो इसके लिए आपको वक्त निकालना होगा, टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सके। और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी स्पोर्ट्समैन को देखिए या कोई भी एक्टर को देखिए, किसी को भी देखिए, अगर वो टॉप पे है तो क्यों है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको भी अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा, यानी आप अगर फ्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो अदर वे, और कोई शॉर्टकट नहीं है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का। चाहे आप जितना ही बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा बोलने का। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका इंग्लिश फ्लुएंट कैसे होगा, बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखिए कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश और बातें करें इंग्लिश में। अपने आप से कम खुद से जो भी बातें करना है इंग्लिश में कीजिए। अगर आप लगातार इंग्लिश में करते रहेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ये इंग्लिश में हो जाएगा, आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन पहली बार में ही फ्राटेदार इंग्लिश बोलने का कोशिश नहीं कीजिए, बस बोलना शुरू कीजिए। कभी कभी गलतियां होगा, होने दीजिए, क्योंकि आप अगर कोई चीज पहली बार करते तो गलतियां होता। एक बात बताइए, जब हम लोग पहली बार बाइक चलाना सीखे तो बहुत बार बाइक बंद हो जाता था, हम लोग को पता नहीं था कि गियर कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन प्रैक्टिस करते गए और हमें बाइक चलाना आ गया, और बाइक चलाने का जो पैटर्न है हमारे माइंड में रजिस्टर्ड हो चुका। तो दोस्तों, उसी तरह आप जब इंग्लिश में बातें करेंगे तो गलतियाँ होगा, और आपको बाद में रियलाइज़ भी होगा कि मेरा यहाँ पर गलती हुआ, लेकिन आपको उस गलती को दोबारा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आई के साथ गो लगता है, लेकिन आपने बोल दिया आई गोज टू स्कूल, कोई बात नहीं, बाद में आपको पता चला ना कि आई के साथ तो गोज नहीं लगता, आई के साथ तो गो लगता है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, बात समझ रहे? तो बिल्कुल भी घबराई नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान है और आप सीख सकते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखिए कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक ए फ्लुएंट स्पीकर, आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। बस प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, डेली जो है प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप से इंग्लिश में बात कीजिए। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, आपको मिलेगा, आप उन्हें इंस्टॉल कीजिए और उनके द्वारा आप इंग्लिश में बातें कीजिए, टॉकिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप 6 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, बात समझ रहे? तो आपको टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए और बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, एक फ्लुएंट स्पीकर बनिए, और जो मन कर रहा वो कीजिए और इंग्लिश में बातें कीजिए 24 घंटा, बात समझ रहे? तो बस हमारे साथ
साथ बने रहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।